So here I am with next question of previous year, a classical question from JEE Advanced paper 1 2015 का question है, एडवांस के पेपर का। आप हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आई होप सो। आपको अगर लेवल पसंद आ रहा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इस लेवल के साथ मैचअप कर सकते हैं। आपको बहुत ही क्लासिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के दिया जा रहा है, आप इससे कंसेप्ट्स को सीखें, कुछ नए कंसेप्ट। आप पक्का इसमें कुछ गलतियां करेंगे? गलतियां नहीं कर रहे हैं तो योर प्रिपरेशन इज अप टू डेट। ओके चलो देखो, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन ये देखो, काफी आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, बट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसके पीछे। चलो समझा रहे हैं धीरे धीरे अच्छे से। सबसे पहले आप देखो, ये डाइजोटाइजेशन करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेंस लेवल में पढ़ लेते हो। चलो देखो, ऐसा ऐसा COOH, गलती क्या होती है वो बता रहा हूँ। गलती क्या होती है, इसको डाइजोटाइज करते हो N2+ बना के, और N2+ लीव करा देते हो यहाँ कैटायन बना देते हो। और आप इसके पीछे ये तर्क देते हो कि सर जो हमारा फिनाइल कैटायन है वो भी कितना अनस्टेबल कैटायन है। N2+ के साथ तो सर फिनाइल कैटायन बना के हम SN1 टाइप सब्स्टिट्यूशन कराते थे, इतना गंदा कैटायन है, बहुत रेयर बनता है, और ये डाइएजो के साथ बन जाता था, तो सर ये ऐसे बना देंगे क्या दिक्कत। हालांकि ये कैटायन अच्छा नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि COOH जैसे स्ट्रॉन्ग -I वाले ग्रुप के बाजू में कैटायन बनाना कहीं से अच्छा नहीं है। बट बच्चों को लगता है अगर फिनाइल बन सकता है तो ये बनाने में क्या दिक्कत है। तो फिनाइल बन सकता है क्योंकि वहां पे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। N2 की लीविंग टेंडेंसी बहुत हाई होती है, वो निकल जाता, वो नहीं परवाह करता कि फिनाइल बन रहा है कि आपका एलाइलिक जैसा अच्छा कैटायन बन रहा है या फिनाइल जैसा बुरा कैटायन बन रहा है, वो नहीं देखता वो सब। उसकी तो लीविंग टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, वो निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यू हैव अनदर ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसा कार्बोकैटायन, प्योर कार्बोकैटायन COOH के बाजू में ना बनाएं। आपके पास एक ऑप्शन है, देखो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, और वैसा ही होता है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे प्लस ले आओ तब आप सोचोगे कि OH- के आने की ऊपर और नीचे दोनों से बराबर पॉसिबिलिटी है, तो मेजर अमाउंट में आपको एक तरह का यहाँ वेज और डैश दोनों मिल जाना चाहिए। ये वेज और ये रहा डैश, कहाँ गया ये डैश, सॉरी ये वेज और ये डैश। बहुत सारे बच्चे इसमें बी और सी दोनों आंसर कर रहे होंगे, लेकिन बता दूं ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अभी गलती समझ गया कि क्या गलती हो सकती है। तो अब इसका सही क्या अप्रोच होना चाहिए, लुक क्या दूसरा ऑप्शन है आपके पास बेटा, ये N2 यहाँ पे ऐसा N2+। आप कुछ इस तरह से इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे कुछ सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे OH है, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर रेजोनेट कर रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये वेज पे है तो ये पीछे से इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक नॉन क्लासिकल टाइप के कैटायन जैसा बन रहा होगा, ये निकल रहा होगा। तो एक्चुअली में क्या बन रहा होगा, ये जो ग्रुप है इससे हमको ज्यादा कुछ खास मतलब है नहीं, ये सी और ये जो ओ होगा ये आपके वेज नाउ के डैश पोजीशन से एक देखो इपॉक्साइड जैसा कुछ बन रहा है ना, एक इपॉक्साइड जैसा बन रहा है, ऑल्दो स्ट्रेन रिंग है बट उस कार्बोकैटायन से तो अच्छा है, उस कार्बोकैटायन से काफी बेहतर है, कुछ ऐसा बना दो। और ये OP+ एच काफी एसिडिक हो जाएगा, उसको तो निकालना आपको पता है, तो ये कुछ ऐसा इंटरमीडिएट यहाँ बनना चाहिए। दिस इज बेटर ऑप्शन, दिस इज बेटर ऑप्शन, ये बहुत बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो आपका OH- होगा, ऑब्वियसली अब इस पोजीशन पे अटैक करना होगा, OH- इस पोजीशन पे अटैक कर रहा होगा, ये बॉन्ड को खोल रहा होगा। सिंस ये डैश पे था तो OH- वेज वाले पोजीशन से अटैक कर रहा होगा, फिर ये खुल रहा होगा, इस पे माइनस आ रहा होगा, अच्छा इस पे माइनस आया, ये एसिडिक कैच है, इसको खिला दो, ठीक, तो ये एसिडिक कैच खा रहा होगा, तो ये COOH हो गया आपका। एंड इन दिस वे वॉट अल्टीमेटली यू हैव गॉट इज नॉट दिस वन बट ओनली दिस एज योर मेजर प्रोडक्ट, तो सिर्फ ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको यहाँ मैंने N2 की लीविंग टेंडेंसी के बारे में समझाया है, कब आप फिनाइल कटायन बना सकते हो, वहां बनना
क्यों फिनाइल कैटायन बनना ही एकमात्र ऑप्शन था, और अगर फिनाइल के अलावा कोई ऑप्शन है तो आप उसके साथ ही जाएंगे, ऐसे अनस्टेबल कार्बोकैटायंस नहीं बनाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।